see, see, see this बना one. रखा है, पॉज बना रखा है. Angel wings and sign for Sagittarius. To touch, to move, to inspire, that's dance. अरे वाह, जो partners, जो लोग, welcome QRT. Yeah, hi, what's up? Thanks bro, thank you. So tell me, like, what comes to your mind whenever you see any guy or a girl with a tattoo? Bull. I wish I had one. I think it looks nice. It's cool. I think it's cool and it's cool. She loves art maybe. So do you find guys with tattoos attractive? Yeah. Not the guys actually, but I like tattoos on the wrist. You like it? Do you find them hot? Hot. Hot. I judge a lot of people like on the basis of the tattoo? Yeah. On the designs especially? I think arm tattoos these days look really good. Biceps? Yeah. Do you find them attractive? A lot. Bro, लड़कों के बारे में तो नहीं पूछूंगा, पर लड़कियों के जो टैटूज होते हैं माइंड में क्या आता है आपके? आई कैन नॉट डिस्कस. अरे बोल रहे आई जस्ट हेट टैटू, लाइक छोटा-छोटा चलता है. छोटा इतना तो नहीं. इतना भी सही है, बट पूरा हाथ नहीं. टर्न ऑफ है. यू फाइंड देम हॉट? या इफ आई लाइक द टैटू आई थिंक आई विल गेट वन. ओके, तो लड़का देखने में कैसा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, टैटू अच्छा लगे तो कूल लगते है. आपने लड़कियों को देखा टैटू के साथ? हाँ. जैसे की अगर कहीं और जगह पे टैटू और वो दिख जाए तो शी इज हॉट. और जगह भी और कहाँ दिखता भी है. हाँ वैसे नहीं दिखता नहीं यार. डू यू ऑल्सो फाइंड लाइक गर्ल्स विद टैटूज हॉट? ऑब्वियसली. डू यू फाइंड देम अट्रैक्टिव? बता दो कोई नहीं ऐसा. नहीं ऐसा कुछ है नहीं, मतलब टैटू इज गुड. हमने उसकी तारीफ करी कि टैटू अच्छा है. टैटू तो अच्छा है, मतलब अगर किसी लड़की के अगर बॉडी पार्ट पे टैटू है सो क्या मतलब आपको अट्रैक्टिव लगता है? यस, मोर अट्रैक्टिव देन गर्ल्स विदाउट टैटू. विदाउट टैटू? आई डोंट हैव अ टैटू. तुम्हारा कैसा? आपका एक्सेप्शन है. आई थिंक मैं डेफिनेटली हो जाता हूं. मैं हो जाता हूं थोड़ा सा. डू यू फाइंड देम अट्रैक्टिव? लाइक कैन दे हैव एन एक्स्ट्रा एज? If they're at like some particular points, like, you know, I hope. See. That this one is normal, very normal. टैटू वाली लड़कियां पसंद है इतना नहीं, बट हर जगह टैटू छोटा बहुत चलता है. एडेड एडवांटेज होगा अगर मान लो एक लड़की के टैटू नहीं है और दूसरे के हैं और दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने में है. ठीक है, और बात घर भी जाना एक्चुअली हमें. मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से फिर हमारी बात. Okay, so I'm not against tattoos. I like tattoos, but I would never have one on my body. Tattoos hai? Kya ladki pat sakti hai? No, I don't think so. No. I mean, agar tattoo hai, agar character kharab hai, to fir tattoo ka kya karenge? Bas uska dil acha hona chahiye. Dil to pata hi nahi lagega first appearance. Nahi, first wala nahi pata na mere ko. Nahi. Pat sakti hai. Added advantage hoga. Advantage hoga, but patega nahi. आपको क्या लगता है लड़कियां पट्टी हैं टैटूस? या बट अ गाय शुड हैव अ बॉडी, गुड फिजिक. या गुड फिजिक एंड गुड बॉडी. ऐसे ही ऐसे? नो. मुझे बनवाना चाहिए टैटू? या यू कैन. आई कैन. या यू कैन. थोड़ा बहुत तो है. सो सर्टेनली मुझे यहीं बनवाना चाहिए. या देख लो अच्छे से ऊपर तक ही देखना. यहाँ पे बनवाना चाहिए. अच्छा ठीक है, मशहूर. ठीक है सर, ठीक ठाक है. थोड़ा यहाँ पे बना लेना चाहिए. एडवांटेज फॉर श्योर. If you have a sexy tattoo on your hand or somewhere where people can see it. You mean if a guy has a tattoo? Yeah, for sure. Girls do get attracted. तो ये दोनों ही मना करते रहिए. These are exceptions. लड़कों के जो tattoos होते हैं उससे क्या लड़कियाँ पटाना का easy हो जाता है? नहीं, ये सोच के तो कभी हमने नहीं किया. ये सोच के नहीं, बट तब ऐसा नहीं. मतलब ऐसा होता है कि लड़कियां और ज्यादा हिट करती हैं लड़कों पे जो जिनके टैटूज होते हैं. मेबी. ऑनेस्टली आई जज पीपल हु गेट टैटूज ऑन रैंडम प्लेसेस. कभी लड़कों ने हिट किए टैटूज देख के? हां बहुत. क्या बहुत किया है? सो टेल मी द वियर्डेस्ट टैटू यू हैव एवर सीन. क्या चीज वियर्डेस्ट टैटू? सबसे अजीब सा घटिया, मतलब देख के बोला ये क्या बनवा दिया यार. वियर्डेस्ट टैटू ने मतलब नेम अच्छा जो उसके नाम पार्टनर का नाम लिख दिया है. नहीं पार्टनर का नहीं, अपना ही नाम भी गजनी थोड़ी हो तो मैं. ओके सो आई वाज हैविंग लाइक आई वाज डेटिंग दिस गाय. ओके सो आई डिडंट नो ही हैड अ टैटू एंड देन ही हैड हार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम हिज बेली बटन. Who does that? Oh my God, which guy does that? I didn't see him again. So we're not judging him at all. I did. latitude and longitude line. Latitude and longitude ke line. Ajeeb sa tattoo ya ajeeb se body part pe dekha hai kabhi? I don't know, nothing. Inko bahut hansi yaar. कहाँ देखा है? अजीब सा बॉडी पार्ट वॉज दी. अच्छा वो सुन के थोड़ा अजीब सा लगा. मैं आऊंगा उस क्वेश्चन पे भी. चलो पहले तो बता दो. कहीं नहीं. नहीं वियर्डेस्ट टैटू कोई देखा है आपने? ऐसे कभी देखा नहीं, बट यूट्यूब इंस्टा फेसबुक पे देखा है काफी फोटोज.
वो इस पे नहीं बता सकता मैं. बता दो. पता नहीं क्या था वो मंकी में सबने कहा ना. फोर निपल्स. वो इसमें था सम शो इन TLC और समथिंग. हां टैटू लाइक 1 2 3. आई डिडंट गेट इट. लाइक यार निपल्स एंड देन उसने तीन साइड्स अलग कराए थे उसके नीचे 1 2 3. तो इट वाज काइंड ऑफ फोर निपल्स. माइंड में क्या आया. यू आई नो दैट हार्ट्स कमिंग आउट ऑफ योर बेली बटन. बिट क्रीपी. क्रीपी. इट वाज वेरी क्रीपी. स्नेक ऑन अ हैंड. Snake on your this place. Okay. Skull and snake here. Skull and snake. तो लगे skull में. हाँ. तो बहुत ज़्यादा weird. बहुत weird लगता है वो. और आपने कहाँ देखा है? I would prefer staying quiet right now. How about you? Weirdest. I saw a snake on the scalp. Scalp. Yeah. Was he a bald? And he was bald. Yeah. I didn't see him again. Yeah. Because of the. I didn't even take his calls. Sexiest place on your body to have a tattoo. I think it's vagina. Sorry? Vagina. Nice place. Nice placement. Body part. I think lower back and like the just corner. Like the corner of your butt if you've corner got like good thighs. Yeah. I think this side is always. कहाँ पे? Waistline पे? Front पे? आप बनवा सकते हो कभी? किसी के लिए? अपने लिए यार. क्यों? मेरे को यार पसंद ही नहीं है. क्या लड़के भी अपने butt पे tattoo करते हैं? क्यों नहीं? Like what's wrong? If they've got a good butt, what's wrong with it? Okay. So people should go for it. No, people should go on, but I won't go for it. Sexiest place to have a tattoo. Neck. क्यों neck क्यों? ऐसी? I think somewhere young. Chest. Lower back. Are you serious? Face पे कौन बनाया? I won't know. आपको लग रहा है job interviews के लिए कुछ चले आओगे? I won't get it done. Like I'm talking about a permanent, sorry, temporary one. Yeah. Somewhere here. Oh God. और क्या होना चाहिए वहाँ पे? Skull. Skull. I think yes, a skull and maybe stars and little butterflies. Or it's like you can go for belly on the abs or somewhere. Complete back. They do. I can't even think of like someone getting that done. That'd be so painful. If a person is willing, if a new person like jiska tattoo bhi nahi hai, if he or she is willing to get a tattoo done, tattoo made on their body, what are you gonna suggest? Kya tattoo banwana chahiye? Yeah, why not? Why not? Obviously, yeah. A small one, like somewhere like wherein people would not question you. What sort of tattoo is this? यहाँ पे डैडीज प्रिंसेस ना वो नहीं. आई थिंक दिस एरिया एंड लाइक द बैक ऑफ द नेक इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स. एंकल. एंकल. या आई थिंक अगर उनका फर्स्ट टैटू है तो मे बी काफ पे. लोअर बैक. लोअर बैक. ओके. आप लोग करवाओगे कभी? नो. यहाँ पर. यहाँ पे तो बनवाए क्यों नहीं अभी तक? अभी बनवाने वाला हूँ. नेक्स्ट वही है. आपका भी वही है? दोनों सोच लिया. आई थिंक फॉर गाइस इट्स इफ इट्स ऑन बैक और लाइक या नेक एंड और लड़की का कहाँ होना चाहिए? सब बेसिक यहाँ पे अधिकतर अच्छा लगता है. मतलब वो बैक में बनाते हैं तो अच्छा. आपके क्या माइंड में कुछ और आ रहा है? मेरे माइंड में कुछ और लगता है. ही गया माइंड में कुछ और. बता दो. I think so. जो साइड्स होते हैं. साइड्स? Yeah. यहाँ पे अच्छा. For girls, like at the back of the neck or the back behind the shoulder, okay. I find those areas very sexy. For a guy, I don't like the kind of guys who are trying to be like wannabes and you know they cover their whole hand with tattoos. You know it should be proportionate. Like if you have a lot of muscles, you can decent, have. Decent, yeah. Please. Yeah, in like you know you need to know your body for that. Yeah. Tattoo क्या visible ही होना चाहिए या strategically place भी बनवाना चाहिए? Visible होना चाहिए. टैटू को फायदा ही क्या है जब विजिबल लेना हो. एग्जैक्टली विजिबल होना चाहिए. टैटूज जो लोग बनवाते हैं आपको क्या लगता है जो हार्मफुल होता है क्या बॉडी के लिए? ऑब्वियसली हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं. बस आपको जगह का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहां से करवाने. आई थिंक इफ यू गेट इट डन फ्रॉम अ नाइस हाइजीनिक प्लेस देयर इज नथिंग really bad about it. You just need to be sure that you're not just getting from a corner of the street or something. Exactly. It's like a good place. Main actually nahi manti thi, but recently I read 2 articles. There was this guy jo tattoo karane ka, he went for swimming and he died. Yeah, and abhi recently ek ladki tha, actually it was not tattoo ka mistake. Usne wo cream use ki thi, usse uski puri skin kharab ho gayi. So it kind of depends if you get it from a nice place. Maintain plus you should get it from and most importantly needle check karna chahiye. The ink they use is metallic and then when you're so hospitalized the then area. Yeah it, the ink might melt when you're into the machine and like
I know that they use different kind of ink now, but then things are in my head, and then I can't have anything permanently attached to my body. Yeah. So ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये मेरे मॉम का नाम लिखा हुआ है. आपका मॉम का नाम लिखा है. So this is the peace sign. These are wings, and this is my horoscope sign Sagittarius. Michael Jackson. Yo, this is Michael Jackson, and ये thriller का. Yep. What is this? Mapa. She's a cool girl. And the second tattoo is this. Here you have my mom's name and the heartbeat and the music. Superb, thank you. Obviously, a tattoo tells a lot about people, right? Yeah. So, how many likes can we get on this video? Go and press that like button right now and click here and let me know that what you guys think. Kya logo ko tattoos banwane chahiye ya nahi banwana chahiye? And make sure that you share this video as much as you can with your friends on WhatsApp and do follow us on our Instagram page to see all the behind the scene pictures and videos of the shoot. And guys, we're very close to hit the mark of 4 lakh subscribers. So, hume zarur help karo aur support karo. To ye jo niche circle appear kar raha hai, please usko click karo aur Quick Reaction team ko jaldi se subscribe karo. I'm going to see you guys every Tuesday and every Friday 4 p.m. with a brand new episode of QRT. Until next time, look after yourself. Take care and goodbye.